वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं रिपोर्टर जसवीर सिंह कैमरामैन राजा जी के नाल असीं इस वक्त पहुँचे हैं MC सरदार तरसेम सिंह सानव सरदार सोहन सिंह पिंड तलवाड़ा वार्ड नंबर 9 हलका श्री हर गोबिंदपुर जिला गुरदासपुर के निवास स्थान पर बैठे हैं। आओ आप MC सरदार तरसेम सिंह जी के मूहों सुनते हैं कि वो अपने MC बनने से अपने इलाका निवासी अपने सहयोगी सज्जनों का किवें धन्यवाद करते हैं। हाँ जी सरदार तरसेम सिंह जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। मैं अपने सहयोगी सज्जन नवदीप सिंह पन्नू सानपाल जी खोसला बलविंदर सिंह जी नाभा इन्होंने संयोग नाल MC बनाया हाँ। इन्होंने मैं बहुत सम्मान दिता है, मैं MC बना के मैं अपने इलाके के वास्ते जो भी मेरी ड्यूटी बनूंगी मैं अपना उन्होंने सुरां से चलूँगा। तो जिमें कि सरदार तरसेम सिंह जी थोड़े सहयोगी सज्जना ने MC बनाया, उस तो बाद इलाके निवासियों ने तुम्हें मान दिता, जिस उम्मीद सहयोगी सज्जना ने जे इलाका निवासियों ने तुम्हें MC बनाया, तुम उन्होंने उम्मीद पर कि खरा उतर की कोशिश करोगे? जो भी मैं ड्यूटी दी जाएगी अपने कमेटी वालों वो मैं अपनी ड्यूटी वधिया निभाऊंगा। तो जिमें कि तुम सरदार तरसेम सिंह जी MC बने, कि MC तुसी पहली बारी इलेक्शन लड़ी कि जां पहला ही तुसी MC दे कदी इलेक्शन लड़े जां कदी हारे हो जां जित्ते हो? मैं पहले पिंड विच हुंदा सी, पिंड दे विच मैं मैंबर पंचायत बनिया, पहली बार MC बनिया। ते तुसी MC बनन तो बाद अपने पिंड विच की सुपने लैके आए, पिंड वासियां नाल तुसी की वादे कीते, की तुसी उन्हां नूं उम्मीदां दिखाईयां कि जे तुहानूं सिर्फ MC दी जो सेवा मिलेगी उस सेवा तो बाद तुसी अपने पिंड विच जां अपने वार्ड विच कि चीज़ां लैके आउणियां चाहोगे? मेरे MC बनदा जितण दा यही कारण है कि मेरे को मैनूं भली भांति लोग मेरे इलाके दे मैनूं जाणदे, इस करके मैनूं बड़ी ईड़ना जताया उन्होंने, मैं उन्होंने हर एक काम पहले आधार ते करूँगा, कोई भी मतलब कमी पेश नहीं रहन दूंगा अपने। तो सरदार तरसेम सिंह जी तुसी जिवें MC बने, MC बनने तो बाद हुण की सुपने आ, कि मेन निशाने आ कि जिहड़े तुसी अपने इलाके विच काम करने चाहोगे, जिहड़े तुहाडे मिथे हुए सुपने सी जां तुसी अपने पिंड वासियां नाल उह सुपने पूरे करन विच हुण पूरे सहयोगी तुहाडे नाल सी, उन्हां ने जो तुहानूं दिशा निर्देश दित्ते उन्हां विचों किहड़े तुसी पहल दे आधार ते काम करने चाहोगे? ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ 9 ਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਦੇ ਕੰਮ ਸੀ ਜਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ MC ਬਣਨ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ MC ਬਣਨ ਲਈ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ MC ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ MC ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਚੋਂ ਜੇਤੂ ਹੋਏ? 11 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਹੀ ਜੇਤੂ ਹੋਏ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਰ ਵੀ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਣਨਗੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਣੂਗੀ ਕਮੇਟੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ, 8 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਬਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਡੀ ਬਣਨੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਆ ਇੱਕ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ?
मोदी ने पूरा देश ही बेचता पूरा देश बेची जा रहा इन्होंने किसानों का डेढ़ तीन महीने तीन महीने हो गए बैठे तीन तो ज्यादा हो गए हो गया इस तरह करके धक्के खाने की बहुत बुरी हालत कर इन्हें जोड़े ये कानून लागू किए आ कि यह साढ़े आम पब्लिक या किसान वास्ते सही है या गलत आ बिल्कुल गलत किया देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं तो सरदार तरसेम सिंह जी जिमें कि अपने किसान के नाल नाल आम पब्लिक भी जां अपने बाकी स्टेटा की आम पब्लिक या किसान दिल्ली के बॉर्डर से जाके बैठी हुई है कि वो सारे किसान जो संघर्ष कर रहे हैं उन्होंने हक में सानू भी उतरना चाहिए हर पब्लिक न हर आम इंसान को नहीं उतरना चाहिए सबू उतरना चाहिए चंगे काम वास्ते नहीं उतरना चाहिए तो जो लोग उन्होंने किसानों के उपर माड़ा चंगा बोलते हैं गलत शब्दी वरतते हैं उन्होंने आप संदेश देना चाहेंगे कि वह इन्ह लोगों वास्ते जो बोलते चंगा करते हैं कि माड़ा करते हैं बहुत माड़ा कर रहे बहुत गलत बोल रहे तो सरदार तरसेम सिंह जी जिमें एम सी बने एम सी बनने बाद असं तुम्हें एक चीज वास्ते पूछते हैं कि जो ये कानून आ आम वेखन सुनने आता वा कि एक किसान मारू कानून आ कि इकल्ले किसानों वास्ते ही मारू कानून आ कि जब आम पब्लिक आम रोजगार आम दुकानदार वास्ते भी कानून उन्ने ही माड़े आ किसानों वास्ते है ही है सारे वास्ते बहुत नुकसान हो रहा है तो सरदार तरसेम सिंह जी तुम साढ़े चैनल राही साढ़े कैमरे राही अपने सहयोगी सज्जनों का अपने इलाका निवासियों का धन्यवाद करना चाहो उन्होंने कोई सुनेहा देना चाहो तुम दे सकते जी मैं बहुत ही धन्यवादी हाँ आप अपने वार्ड नंबर 9 का जिन्होंने मैंने इन्नी लीडना जिता के इतों तक मैं बचाया मैं उन्होंने बहुत शुक्रगुजार हाँ ये साढ़े नाल एम सी सरदार तरसेम सिंह सन ऑफ सरदार सोहन सिंह पिंड तलवाड़ा वार्ड नंबर 9 हलका श्री हरगोबिंदपुर जिला गुरदासपुर के नाल असी गलबात की जो उन्होंने बहुत ही वधिया तरीके ना अपने पिंड के लोगों बारे अते अपने जो सहयोगी सज्जनों बारे उन्होंने दसिया कि किवें उन्होंने सपोर्ट करके उन्होंने उन्होंने जताया अते उन्होंने जो जरूरतां सी जां उन्होंने अपने उम्मीदां सी उन्होंने खरा उतरन वास्ते प्रेरित किया कि सरदार तरसेम सिंह अपने परिवार विच लंबे समय तो काफ़ी पहला पिंड की एक मैंबर होने के नाते सेवा करते आए और मैंबर होने बाद उन्होंने एम सी की अज तक कभी कोई इलैक्शन नहीं सी लड़ी ना उन्होंने कोई सुपना सी ना उन्होंने इस बारे ध्यान से उन्होंने इलाका निवासी सहयोगी सज्जना ने उन्होंने एक माण जताया क्योंकि वह माण के लायक से उन्होंने माण दिता गया जिस सेवा के लायक से उस सेवा दी गई क्योंकि यह सेवा भी उसनों ही मिलती है कि जड़ी सेवा निभाउन जानते हैं जां जड़ियां उन्हां उम्मीदों से उतरना जानते खरे होना जानते हैं तरसेम सिंह उन्हां उम्मीदों से उतरन वाले शख्स से उन्हां सेवावां ते निभाउन वाले शख्स से असी तरसेम सिंह नूं जदों मिले सानूं बहुत ही वधिया लगा कि उन्हां अपनी जो भी निजी लाइफ बारे दस्या बहुत ही वधिया तरीके नाल उन्हां अपनी जिंदगी का संघर्ष करके अज इस मुकाम ते पहुंचे आ कि जो अपने इलाके दे सेवादार बन के पिंड विच इक सेवा दे तौर ते पिंड विच विचर रहे ने और अपने पिंड दे जो भी मुश्किल सी जां जो उन्होंने अधूरे विकास से उन्होंने पूरे करने विच उन्हां जो अपने पिंड वासियां नाल वादे किए सी ओह वादे जल्द ही पूरे करनगे कि जदों तक उन्होंने कमेटी नहीं बनती उदों तक उन्होंने काम कार हल करन दा कोई फोकस नहीं दिता जा रहा जां उन्हां को हाले कोई मेन मुद्दा नहीं हैगा जदों भी उन्होंने कमेटी बनी कमेटी बनने तो बाद जदों सब तो पहल के आधार से उन्होंने मौका मिलिया वो अपने पिंड के विकास के प्रति जो कि गरीब परिवार या लोड़वंद परिवार जिन्होंने सदन स्कीम आधार कार्ड पैन कार्ड जां अपने जो आप कहने कि स्मार्ट कार्ड आयुष्मान कार्ड जां होर भी मुश्किलों के सामना करना पैंदा सी वो सारिया मुश्किलों दूर करने तो बाद अपने इलाके निवासियों को बहुत संतुष्टि देना चाहते हैं कि जो भी मुश्किलों दूर जाके उन्होंने झाकनिया पैंदियां सी जां किसी नूं कोई फार्म जां फाइलां भरन वास्ते बाहर जाना पैंदा सी और सारा कुछ इत्थे ही अपने इलाके विच इक दफ्तर बना के उहदे विच मुहैया करवाउणगे अते अपने इलाके दे पढ़े लिखे नौजवानों नूं रोज़गार दे के उन्हां दीआं जो मुश्किलां उन्हां नूं दूर करना चाहणगे कि जिहड़े रोज़गार तो जां रोजी रोटी तो वांझे आ उन्हां नूं रोज़गार दे के रोजी रोटी ते लाउणा चाहणगे सानूं सरदार तरसेम सिंह जी दीआं गल्लां सुण के बहुत ही वधिया लगा कि जो भी अपने इलाके वास्ते अपने पिंड वास्ते अपनी वार्ड वास्ते सोचते हैं बहुत ही वधिया सोच रहे हैं असी सरदार तरसेम सिंह जी नूं आही कहांगे कि सरदार तरसेम सिंह जी जिवें तुसीं अपने इलाके विच विचरे जे अपने इलाके निवासियों के दिलों में वसे उन्हां दा प्यार ते सत्कार हासिल कीता एवें तुसीं उन्हां दे अक्खां ते दिलां दे विच वसदे रहो एवें उन्हां कोलों प्यार ते सत्कार हासिल करदे रहो एवें तुहानूं माण मिलदा रहे इन्ना कुछ कहिंदा होया मैं रिपोर्टर जसवीर सिंह बने रहो साडे नाल अगली वीडियो दे लई जल्द मिलदे तुहानूं अगले एम सी अगले
वीडियो दे विच वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।